नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। आज हम एक बहुत ही स्पेशल कार्ड के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, द कार्ड ऑफ द हर्मिट। हर्मिट को जो है हम सन्यासी भी बोलते हैं और टैरो में ये बहुत ही स्पेशल कार्ड माना जाता है। टैरो की नज़र में ये आदमी जो है बिल्कुल ही अकेला है और अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहा है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है और उसके अंदर उसी विजडम को लेके वो दूसरों को हेल्प भी कर रहा है, दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा है। तो हर्मिट का जो मोटा मोटा जो मीनिंग जो आता है, इट्स नोन एज द कार्ड ऑफ एलोननेस, सॉलिट्यूड, इंटरसेप्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड इट जस्ट मीन्स लाइक बीइंग विद वन सेल्फ एंड कंप्लीट इन हिमसेल्फ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहूँगा एलोननेस और लोनलीनेस के बारे में। जो हर्मिट है वो अपने आप में एलोन है एंड ही इज नॉट लोनली। लोनली इज अ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, बिकॉज लोनलीनेस में कुछ ऐसा समझिए कि आप फिर भी किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी को चाहते हैं कि कोई आपके साथ हो, किसी को मिस कर रहे हैं। लेकिन लोनलीनेस में वो मिसिंग नहीं है, लोनलीनेस के अंदर वो कंप्लीट है अपने आप में। यू आर सो हैप्पी विद योर ओन सेल्फ एंड बिकॉज यू आर सो हैप्पी विद योर ओन सेल्फ देन इवन इफ लाइक समवन इज अराउंड, यू आर नॉट ट्राइंग टू सक ब्लड फ्रॉम दोज पीपल, बट इन फैक्ट यू वॉन्ट टू, अगर कोई साथ में है भी तो आप उनके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं, आप उनको देना चाहते हैं जो आपने पाया है, आप वो शेयर करना चाहते हैं। सो द कार्ड ऑफ हर्मिट इज अ परफेक्ट कार्ड ऑफ एलोननेस। तो मेरे लिए एलोननेस इज लाइक अ परफेक्ट कंप्लीट सर्कल जहां पे आपको कुछ नहीं चाहिए, यू आर कंप्लीट इन टू योर ओन सेल्फ। इसके थोड़े सिंबोलिज्म में जाएंगे तो सबसे पहले द हर्मिट कार्ड आप समझ लीजिए कि एक ऐसा टाइम जब आपको अपने आप को देना है, एक ऐसा टाइम जो सिर्फ प्योरली आपके लिए है, जिसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। हम हर्मिट की ड्रेस देखते हैं तो वो है ग्रे कलर। ग्रे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे मीन्स इंटेलिजेंट, दैट्स हाउ वी टर्म इट। ग्रे को हम इंटेलिजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं एंड ग्रे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट विच ऑल्सो मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जीज टुगेदर, ब्लैक एंड वाइट टुगेदर और बोथ द ऑपोजिट एनर्जीज टुगेदर। तो जहां पर भी दोनों एनर्जीज जो हैं मिलेंगी, जहां पे भी एक फिनोमेना घट रहा है कि जहां पे मेल और फीमेल एनर्जी जो है मिल रही है, आपस में कंबाइन हो रही है, वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा है, वहां पे आप समझिए यूनिवर्स पूरा कंप्लीट कर रहा है अपने आप को। क्योंकि यूनिवर्स अपने आप में मेल और फीमेल जो है अलग अलग नहीं है, यूनिवर्स के लिए मेल एंड फीमेल आर टुगेदर, दे आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर इन कॉम्बिनेशन, दे आर इन सिंक टुगेदर, दे आर लाइक यिन एंड यांग। एंड तो हर्मिट के साथ भी हम यही देखते हैं कि जो कलर, जो ड्रेस है उनकी कलर का, वो ग्रे है और आप देखेंगे कि उनके हाथ में एक लैंप है जिससे प्रकाश बाहर आ रहा है और उसके अंदर आप देखें एक स्टार बना हुआ है। तो स्टार इज ऑल्सो नोन एज द गाइडिंग लाइट, एक ऐसा लाइट जो कि उनको जो है गाइडेंस मिल रहा है, एक ऐसा समझिए कि आप गुरु कह लीजिए, आप एंजल कह लीजिए, द स्टार इज गाइडिंग द हर्मिट एंड हर्मिट इज ऑल्सो गाइडिंग अदर पीपल। तो उस प्रकाश को जो है हर्मिट अपने लिए तो यूज करता ही है, वो विजडम है जो कि सिग्निफाई करता है वो जो स्टार, वो विजडम को जो है वो हर्मिट तो अपने लिए यूज करता ही है लेकिन वो दूसरों की हेल्प भी करता है। और आप देखेंगे कि उनके हाथ में जो दूसरा जो है स्टिक है वॉन्ड, वो स्टैंड करता है पावर के लिए और
स्ट्रेंथ के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो हर्मिट है उनका चेहरा जो है झुका हुआ है, वो स्टैंड करता है ह्यूमिलिटी के लिए और कंपैशन के लिए। एंड जो वाइट है, जो भी वाइट सिग्निफाई कर रहा है, वो स्टैंड करता है प्योरिटी के लिए और एनलाइटनमेंट के लिए। आप देखेंगे जो पीछे माउंटेन्स है, दैट स्टैंड फॉर हायर नॉलेज, हायर कॉन्शियसनेस लेवल, जो कि हर्मिट ने अचीव कर लिया है, या फिर हर्मिट को वो उस रास्ते पे हैं जहां पे उनका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट इज शोन। एंड एंड ये नाइन्थ कार्ड भी है मेजर अरकाना का। तो नाइन्थ का मतलब होता है जहां पे पूरा सर्कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। So this also means the end of the cycle, and it means like the hermit has completed the cycle of life and it has taken an inward journey now. उन्होंने भीतर की यात्रा पकड़ ली, क्योंकि बाहर का सर्कल जो है डिजायर्स का वो कंप्लीट हो गया है। So मैंने और इस बात के बारे में पहले भी मेंशन करा है कि टैरो में जब भी आप कुछ जो सिंबोलिज्म देखते हैं, जो भी इमेज के अंदर जो देखते हैं राइटर वेट में है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फालतू का डाला हो। इमेज में एक एक चीज के बारे में जो बात जो है आप देखते हैं, वो इट मेक्स सेंस, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। एंड हर्मिट कार्ड भी वो यही बताता है कि इसका जो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे, तो अगर ये आपके लिए कार्ड आता है तो दैट मीन्स यू नो दिस इज द टाइम विच यू वांट टू गिव टू योर ओन सेल्फ। अभी ये वक्त है जो आप अपने आप को दीजिए। अगर अकेले हो सकते हैं तो अकेले हो जाइए, और इस चीज को समझिए, जब भी आपकी जो ग्रोथ का जो टाइम होगा, वेन एवर देर इज अ, जब आप अकेले होंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप किसी के साथ होंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इट्स ओनली वेन द टाइम वेन यू आर अलोन, देन यू स्टार्ट ग्रोइंग। This is what the hermit card gives you a message. और इस और इस वीडियो का अंत जो है, मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की एक saying के साथ करना चाहूंगा। वो कहते हैं, bear in mind that those who are finer and nobler are always alone and necessary so, and that because of this they can enjoy the purity of their atmosphere. तो एल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि अगर आप अकेले नहीं हुए हैं तो आपके अंदर वो फाइननेस नहीं आ पाएगी, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहता है। वो तभी जब तक आप अकेले नहीं होंगे, अपने आप के अंदर कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक जो है आपके अंदर ग्रोथ नहीं घटेगी। आप कुछ ऐसा समझिए कि जब आप मां के पेट में होते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर ग्रोइंग। इट्स ओनली व्हेन यू आर डार्क, जब सब कुछ डार्क हो जाता है आसपास, तो डार्क भी यहां पे देखिए कितना पॉजिटिव रोल प्ले करता है। इफ देयर इज ओनली लाइट, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। लाइफ डेवलप्स ओनली इन डार्क। तो जो हर्मिट कार्ड है, इट्स लाइक अ कार्ड ऑफ वूम्ब। वो आपको इशारा करता है कि जब भी आपको ये कार्ड आए, देन go back to your own self, go back to the womb of the universe, heal yourself, and once you have healed yourself, once you have lived yourself, once you have grown, then come back and share whatever you have lived, whatever you have grown. So aaj ka jo card hermit tha uski reading yahi thi. Aasha karta hu aapko ye video pasand aaya hoga. Namaste, thank you.